सिटी वेब पर स्वागत है। मैं प्रीति चंद्र एक बार फिर हाजिर हूँ देश और स्थानीय जनपद सहारनपुर की कोरोना अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बीते गए हफ्तों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी से होने वाली मौतों के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,20,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो कि 58 दिन बाद यानी कि करीब 2 महीने में अब तक के एक दिन में सबसे कम नए केस है। हालांकि इसी बीच मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 3,300 से ज्यादा अधिक मौतें दर्ज की गई, जिसके बाद अब कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 3,44,082 पहुंच गई है। एक्टिव केस की बात करें तो भारत में 15,55,248 केस अभी एक्टिव है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। अब सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में अब धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। अब डेली जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही कम है। आज भी स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सहारनपुर में केवल 21 लोगों में ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद अभी आंकड़ा बढ़कर सहारनपुर में कुल 32,696 हो गया है। आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे थे पहले वो काफी चिंताजनक थे, लेकिन अभी आंकड़े कम हो चुके हैं। वहीं राहत की बात ये रही कि आज 81 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। अब सहारनपुर में एक्टिव केस की संख्या 793 है, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सिटी वैब सभी जनपद वासियों से अपील करते हैं कोरोना से बचाव हेतु सभी सावधानियां बरतें। सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी के पालन के साथ साथ मास्क का प्रयोग जरूर करें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन से लगातार धोते रहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको आज का अपडेट पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हर अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।